ये वो खातून है जिनके हस्बैंड की एनिवर्सरी है भाई, मेरी भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे जी। आज का जो बड़ा व्लॉग है ना वो बड़ा स्पेशल होने वाला है और बड़ा बिजी डे होने वाला है अकॉर्डिंग जो हमारा शेड्यूल है उसके मुताबिक। तो अभी मैं उठा हूँ, हमने नाश्ता वाला किया है और अभी मैं आ गया हूँ सदर, और सदर में मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर भाई। और मुबशर भाई को आप बहुत बहुत पुराना मेरे व्लॉग में देखा होगा जब हम कटिंग करवाने गए थे 2017 में। तो मुबशर भाई थोड़े से बिजी हैं होते हैं, उनकी कुछ जॉब इस तरह की है लाइक। तो अभी हम लोग आ गए हैं सदर, और सदर में अभी हम लोग ने कुछ शॉपिंग करनी थी मुबशर भाई ने, मैंने भी। तो चलते हैं देखते हैं क्या कुछ लेना है और क्या कुछ हिसाब किताब है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नहीं 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 कर रही, गाड़ी हो गई जी हमारी पार्क और अभी चलते हैं स्टार्ट करते हैं शॉपिंग। अभी यहाँ पे वाइपर्स का कुछ डील बन रही है कि गाड़ी के वाइपर्स चेंज करवाने हैं, विंडो या नहीं करवाने, ये लोग हो जाए तो उसके बाद हम लोग चलते हैं शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। सदर में या किसी भी बाज़ार में जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो कैमरा जब आप मोबाइल निकालते हैं तो थोड़ा सा खतरा होता है साइडों का, तो थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए उस चीज़ का। वाइपर्स हम चेंज करवा रहे हैं, अभी वाइपर्स हो गए जी हमारे चेंज, तो अभी निकलते हैं फाइनली। थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पर हम लोगों को, तो जैसे ही तो डील छिल इनकी हो रही है बशी भाई की, तो पहले तो नहीं लगवाते लेकिन उसने बशी भाई को रिक्वेस्ट की है, तो बशी भाई कहते चलो चेंज कर दो। वाला कितने अभी चेंज करने वाले थे नहीं, कुछ टाइम पहले मैंने ब्रेकआउट से एक शर्ट ली थी तो वो उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, वो क्लेम करवानी है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएँगे ब्रेकआउट तो वो शर्ट क्लेम करवाएंगे। इतनी देर शॉपिंग करके, इतनी टाइम वेस्ट करके हम लोग ने अभी तक सिर्फ एक पेंट खरीदी है और अभी हम लोग आ गए हैं पेंट को अल्टरेशन करवाने। तो पेंट अल्ट्रेशन करवाते हैं, दो जैकेट्स लेनी है, फिर उसके बाद वशी भाई फ्री हैं आप? हाँ मैं ऐसे तो उसके बाद कुछ खाए पिएंगे फिर हमने जाना है इस्लामाबाद। शॉपिंग हो गई जी हमारी कंप्लीट, तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं, बशी भाई जाएंगे वापस घर। तो मैंने जाना है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद क्यों जाना है मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ, या थंबनेल से आपने शायद देख भी लिया हो। तो अभी चलते हैं इस्लामाबाद, मैं मेट्रो पर जाऊँगा क्योंकि बशी भाई थोड़ा लेट हो रहे हैं जाना है। तो यहाँ पर जो लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली गाड़ी सही तरह पार्क किया करें, इस एक की वजह से ना पूरी पार्किंग जो है स्टक हो गई है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से वापस, इस्लामाबाद पहुँचने में बहुत लेट हो चुका हूँ। अच्छा जी, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं जी मेगा जोन F9 फातमा जिना पार्क, कैपेशियस ऐसा कोई नाम है। तो यहाँ पर है जी हमारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी है जी एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी हम लोग करने आए हैं यहाँ सामने। तो अभी हम लोग ने सारा कुछ अरेंज करके उसको हम लेने के लिए जा रहे हैं F9 पार्क में ही है। तो अभी चलते हैं उसको बुलाते हैं फिर सरप्राइज़ देते हैं। ये वो खातून है जिनके हस्बैंड की एनिवर्सरी है, भाई मेरी भी साथ है। ये सामने मेगा जोन में, तो वैसे ये कोई नया रिवाज आया हाफ 6 मंथ वाली एनिवर्सरी का, हाफ ईयर एनिवर्सरी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि हाफ ईयर एनिवर्सरी भी कोई चीज़ होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सामने मेगा जोन रेस्टोरेंट F9 पार्क में, और मैं ज़िंदगी में दूसरी बार मरतबा यहाँ पे F9 पार्क आया हूँ। तो बाकी दोस्तों को हमने यहाँ पे घुमाने के लिए छोड़ा हुआ है, जैसे भी वो आते हैं तो उनको सरप्राइज़ देते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये मेरी दोस्त है। और वही हमें इन्होंने खाने पे, हमें इन्होंने खाने पे इन्वाइट किया हुआ है, तो देखते हैं अभी। खाना आप दे रहे हैं, खाने का बिल आप दे रहे हैं, ये किसने आप? पैसे मैं से लेके बिल मैं दूंगा। ओहो, रोज से पता लग गया है, इसे आइडिया हो गया है कि मैं यहाँ पे है जी इनकी वेडिंग एनिवर्सरी। कैसा लगा सरप्राइज आपको? बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। शादीशुदा लोगों को कोई एडवाइस देना चाहें? दूसरी शादी नहीं करनी भाई, दूसरी है, पहली भी नहीं करनी। देखो यार ये तो गलत बात है, इतना बड़ा सरप्राइज दिया, प्यार से मैंने सरप्राइज दिया, इसका नाम याद करने में मुझे हफ्ता लगा। कैपेशियस पता ये तो हो गया जी केक जो इसकी तरफ से था अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन इसने एक गिफ्ट भी लिया हुआ अपने हस्बैंड के लिए जो यहाँ पे दफन है या छुपा हुआ है यहाँ पे। तो अभी वो खुद अपने हाथों से वो गिफ्ट निकालेगा। चलो 1 2 3 गो। ओह माय गॉड, नाइस क्लैपिंग, थैंक यू सो मच। तो फाइनली जी अब वक्त आ चुका है कि हम लोग काटने लगे हैं केक, मतलब ये लोग काटने लगे हैं केक। केक का मुंह बस साइड कर लो, ये साइड होगा। मिस्टर एंड मिसेस हुज़ैफा, 1 2 3 गो।
1 2 3 स्टार्ट हैप्पी एनिवर्सरी जल्दी से हमें केक खिला दो बस तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों की 6 मंथ एनिवर्सरी जो नया रिवाज आप लोगों ने निकाला है इस यूथ को खराब करने के लिए 6 मंथ एनिवर्सरी इस पिंजरे को यहाँ पे रखने का मकसद पता क्या कि इस औरत ने इस शख्स को 6 महीने से इसमें कैद करके रखा है ना ये लोग दोनों यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे जो है वो आइस स्केटिंग स्केटिंग बोलते हैं इसको आइस स्केटिंग स्केटिंग देखने आए यहाँ पे जिसमें आइस कोई नहीं है वैसे है प्यारा ओवरऑल प्यारा है ये बाहर भी काफ़ी गेमिंग जोन एरिया बना हुआ है लाइक यहाँ पे सब कुछ है आप मेगा जोन बनाया हुआ है इन्होंने स्विमिंग पूल यहाँ से ऊपर है और यहाँ पे भी ये लोग लेके तस्वीरें फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से हम लोगों ने मेगा जोन में काफ़ी इन्जॉय किया ये सामने मेगा जोन बना हुआ है ऊपर और आप लोगों ने यहाँ पे इन्जॉय किया अच्छा मतलब गेम्स वगैरह है लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा है ना मतलब बच्चों के लाइक है मज़े के लिए अभी केक वगैरह तो कट कर लिया है तो अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी पार्क में ना फातिमा जिना पार्क में टेस्ट फेस्ट चल रहा है तो वहाँ पे चलते हैं वहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है क्या क्या वहाँ पे है तो वहाँ को जो वहाँ पे जो क्या हो रहा है फेस्ट टेस्ट फेस्ट जो हो रहा है ना टेस्ट फेस्ट में हम लोग नहीं गए क्योंकि वो बहुत दूर है एक तो और वहाँ पे काफ़ी बड़ा टाइम वेस्ट हो जाना था तो इस वजह से अभी हम लोग कुछ खाएंगे कुछ खाने के लिए हम लोग यहाँ से निकले हैं बाहर और देखते हैं बट कड़ाई खाना है या हमने कुछ देसी फूड टाइप खाना है यहाँ पे सारा जो है ना वो फास्ट फूड सो फाइनली इतना ज़्यादा चलने के बाद अभी हम लोग पहुँच गए हैं बट कड़ाई यहाँ से कुछ पेट पूजा होगी भाई को भी भूख लगी हुई है लगी हुई भाई तो कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि भाई बखर से आए हैं बहुत दूर से सिर्फ एनिवर्सरी मनाने बट कड़ाई पर बैठ के एक बार हम फिर आपको बताते चलें कि इस भाई को ये आईफोन गिफ्ट मिला है बहुत लकी है कि इसकी बेगम ने इसको आईफोन गिफ्ट किया है और अगर मेरी वाली कोई सुन रही है तो वो भी प्लीज़ थोड़े होश के नाखुन लें अगर आप देख रही हैं तो आईफोन तो बनता है हमारा भी इतने अरसे के बाद फाइनली हमारा खाना जो है वो आ गया वो खाने के टाइम हम वीडियो नहीं बनाते होते क्योंकि हमें लगी होती है भूख खाना खा के आपसे मिलते हैं हमेशा इस तरह होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं और खाना खा लेते हैं ना तो खाना खाने के बाद हम लोग को होश नहीं रहती कि हम लोगों ने वीडियो बनानी है क्या कर रहे हैं अभी भी आज भी इस तरह हुआ है पूरा दिन बहुत बिजी था बहुत मसरूफियात थी आपके सामने थी तो बहुत अच्छा दिन गुजरा है यही वीडियो यहीं तक थी क्योंकि अभी हम जा रहे हैं घर तो आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज़